एक हमारे व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा है कि सर मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वाद दायर किया था। मेरी जो पत्नी है उसे नोटिस प्राप्त हुआ, इसके बावजूद भी वो आके मुकदमे में हाजिर नहीं हुई और उसके बाद जो मेरा मुकदमा था वो एक पक्षी कार्यवाही में चला गया और मुझे एक पक्षी डिक्री प्राप्त हो गई। अब जब मुझे डिक्री प्राप्त हो चुकी है जिसमें कोर्ट ने मेरी पत्नी को आदेश कर दिया है कि वो आके मेरे साथ रहे, इसके बावजूद भी जो पत्नी है वो आके मेरे साथ नहीं रह रही है, कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है, तो क्या अब मैं ऐसे में अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकता हूं और क्या मैं अपनी पत्नी को कोर्ट का आदेश नहीं मानने के लिए जेल भिजवा सकता हूं? तो ऐसे में मुझे बताइए क्या मुझे करना चाहिए और पत्नी के विरुद्ध मैं क्या एक्शन ले सकता हूं? तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का जो मुकदमा होता है वो एक सिविल वाद होता है, यानी व्यवहारिक मुकदमा होता है, साथ ही साथ ये एक पारिवारिक मुकदमा है और ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि पति को पत्नी के साथ या फिर पति को पत्नी के साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यानी अगर कोर्ट आदेश भी कर देता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कि पत्नी अपने पति के साथ रहे, इसके बावजूद भी पत्नी जाके अपने पति के साथ नहीं रहती है तो पत्नी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यानी पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ, किसी को किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अगर पत्नी का मन नहीं है अपने पति के साथ रहने का तो उसे जोर जबरदस्ती से कानून या फिर पुलिस किसी प्रकार से अपने पति के साथ रहने के लिए दबाव नहीं बना सकती है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि वो अपने पति के साथ रहे। और जैसा कोर्ट ने आपके सेक्शन 9 के मुकदमे में पत्नी को आदेश किया है, इसके बावजूद भी अगर आके आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है तो ऐसे में अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप अपनी पत्नी से अब डाइवोर्स दे सकती हैं, यानी विवाह विच्छेद कर सकती हैं। जबरदस्ती आप अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकती हैं। अगर सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद आपकी पत्नी एक साल तक उस आदेश का निरंतर पालन नहीं करती हैं, आके आपके साथ नहीं रहती हैं, तो ऐसे में इस आधार पे आप अपनी पत्नी के विरुद्ध विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर कर सकती हैं और विवाह विच्छेद करके पत्नी से अलग हो सकती हैं, सारे रिश्तों को समाप्त कर सकती हैं, सारे अधिकारों को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट का आदेश मिल जाने के बाद भी पत्नी अगर साथ रहने नहीं आ रही है तो आप पत्नी के ऊपर कोई कार्यवाही ऐसे नहीं कर सकती है, उन्हें जोर दबाव जबरदस्ती किसी प्रकार से अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसे में आप अपनी पत्नी से सिर्फ डाइवोर्स दे सकते हैं, यानी विवाह विच्छेद करा सकते हैं, उसे साथ रखने के लिए दबाव बना के मजबूर नहीं कर सकते हैं।